우리야! 아미야! 인사야 모두들 안 해야 좋지? और भाई 7 दिसंबर को तो पार्टी शार्ट है। 7 दिसंबर को क्या है भाई? भाई का अपना जन्मदिन है उस दिन। अबे भाई पागल हो गया। आओ तो नहीं अपने। पागल है क्या यार? 7 दिसंबर को तो छुट्टी का दिन है। छुट्टी का दिन कौन वेस्ट करेगा? अपन सुबह चलते हैं मेरे फार्म हाउस पे, अब पार्टी शार्टी करेंगे और पिक्चर देखेंगे। और इस बार वोट किसको दे रहा है भाई? वोट ये क्या होता है भाई? तुम तो कभी दिया नहीं, अपन जानते भी नहीं है, और मेरे वोट में से होगा भी क्या? अबे नहीं, वोट तो इस बार भाई साहब को ही देना है। वो भाई साहब तो वैसे भी जीत ही रहे हैं, अधिकारी से लेके गुंडे सब मुरीद हैं उनके, और पैसे और पावर की दम पे इस बार सरकार वैसे भी उनकी बनी हुई। अभी मेरे पास देखो ना, मैं तो गाड़ी तमंचा वगैरह सब सारी फैसिलिटी दे रखी है भाई। अपन तो सुबह कुछ करेंगे नहीं, अगर उधर जाना हुआ तो वोट डाल देंगे, बस अपने भाई साहब जी से बोलना मेरी गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल डलवा दें। उस चीज़ की चिंता मत करे यार भाई, वो सब मैं अरेंज करवा दूंगा यार। चाय वाले भैया पैसे ले जाओ आपके। कितने हो भैया? ऐसा करो 500 का नोट चुपको दे दे यार। अरे यार तू 5000 रुपए देने के लिए इतना सोच रहा है, और तेरा एक वोट तू समीर के कहने पे उस इंसान को देने जा रहा है जिसको तेने आज तक देखा तक नहीं। साले बेशरम, शरम कर, शरम। और तू समीर क्या बोल रहा है? उस भाई साहब को वोट दे दो जिसको ये जानता तक नहीं। एक साल से तू बेरोजगार घूम रहा है ये मैं भी जानता हूँ, तू भी जानता, तेरे परिवार वाले भी जानते हैं। क्या किया क्या तेरे भाई साहब ने तेल लिया आज तक? लोगों को डराने के लिए तो मंचा लेके चलता ना, डिस्काउंट डिस्काउंट। कभी निकाल मत लेना बाहर, जिस दिन निकाले और पुलिस वाले अंदर कर दिया ना, तो ध्यान रखना भूलने वालों में सबसे पहला नाम तेरे भाई साहब का होगा। समझ में आई तुम दोनों का बात? न नोट से न चोट से सरकार बनाई जाती है, जनता के एक एक वोट से। याद रखिएगा, आपका एक वोट आपका एक अमोघ अस्त्र है जो सही उम्मीदवार चुन करके सरकार तक पहुंचता है। इसीलिए अपने वोट की कीमत पहचाने, वोट करने जरूर जाए। मतदान का दिन 7 दिसंबर 2018। जय हिंद, जय भारत।